क्रांति मोर्चा प्रदेश कुमारी दिल्ली, डेढ़ घंटा बाद इनको मौका मिलेगा। ये बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने इस काले कानून के विरोध में पूरे देश में 29 तारीख को भारत बंद का अभियान चलाया था, आह्वान किया था और बड़े पैमाने पे पूरे भारत में इस काले कानून का विरोध किया गया। और इस आंदोलन में जो अक्सर हम लोग नारा लगाते हैं, बोल 85 जय मूल निवासी, और इस आंदोलन में 85% के लोगों ने बड़े पैमाने पे शिरकत किया और उस आंदोलन को सफल किया। साथियों, ये जो भारत देश है, ये भारत देश के जो हम रहने वाले लोग हैं, हम इस देश की जो स्थिति है, जो प्रकृति है, जो हालात है, हम इतने वर्षों के बाद और यहाँ तक इस देश में खूबसूरत संविधान और संवैधानिक अधिकारों के द्वारा जो हमें बुनियादी अधिकार मिले, शिक्षा का और भी सारे जो अधिकार मिले, उसके आधार पर भी जो समझदारी, जो समझ, जो जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए, आज तक नहीं हो पाई। इस देश में हमारे दिल और दिमाग के साथ, हमारे जज्बातों के साथ एक बहुत बड़ी खेल खेली जा रही है, जिस बात को हम समझ नहीं पा रहे। नहीं तो 15 अगस्त 1947 से देश आजाद हो गया, हमें बताया गया कि अंग्रेजों के द्वारा गुलामी है, इस वजह से समस्या है। हमारे लोगों को ये बात समझ में आई और हमारे लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए बड़े पैमाने पे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए। हमारे ओबीसी के लोगों ने भी बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, कुर्बानियां दी। शिडल कास्ट के लोगों ने भी दी, अभी जो 85% के जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने बड़े पैमाने पे शहादत दी और देश को आजाद कराया। और जिसका उसके रेफरेंस, उसके अगेंस्ट में हमें संविधान के रूप में संवैधानिक अधिकार मिले। आज देश को आजाद हुए इतने वर्षों के बाद भी जिस समस्याओं के निजात के लिए हमने अंग्रेजों को भगाया, आज वो समस्याएं खटने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अंग्रेजों को भगाया अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए, अंग्रेजों को भगाया अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। और यह सबसे बड़ी विडंबना है कि समस्याओं को और भी बढ़ाया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि साथियों, इस देश में जो अंग्रेज नाम का विदेशी था, वो वास्तविक में हमारा दुश्मन नहीं था। उस पर दुश्मन बनाकर के हमारे दिल और दिमाग को, हमारे जज्बातों को, हमारे मातृत्व की जो भावना थी, जो अपने मिट्टी, अपने देश के जो जीने मरने की जो प्रेरणा थी, उसको जो है कि डाइवर्ट किया गया और अंग्रेजों को हमारा दुश्मन बताया गया और अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारा साथ सहयोग दिया गया। लेकिन जब हमें हमारे अंग्रेजों को दुश्मन बताया गया, तो फिर आज हमारे दुश्मन कौन है जो हमारी समस्याएं दिन रात बढ़ाते रहे, बढ़ा रहे हैं, हम आपस में लड़ा रहे हैं। आज अगर देखिए इस देश में तो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आज भी उनके साथ अन्याय अत्याचार सौ बड़े पैमाने पर बढ़ गया। आज भी उनको मंत्रियों में, उनको सार्वजनिक जगहों पे उनका सामाजिक बहिष्कार होता है, उनकी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनको मुंह रखने से मारा जाता है, उनको पेशाब पिलाया जाता है, ये बदायूं की घटना है। तो संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी आज भी उनके साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो समस्या का मूल कारण है, उसको हम समझ नहीं पा रहे। आज भी उनके संवैधानिक अधिकारों को 70 से 72 साल देश आजाद हुए हो गए, आज तक उनको सही से लागू नहीं किया गया। जो इस देश में पिछड़ी जाति के लोग हैं, इस पिछड़ी जाति के लोगों की जनसंख्या आजाद भारत में आज तक उनकी गिनती, जनसंख्या आज तक गिनती नहीं हुई, और उनकी गिनती न होने की वजह से उनकी हिस्सेदारी आज तक भारत में नहीं दी गई। जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने गिनती कराया था, मैकाले में गिनती कराया था, उस समय जनसंख्या 52%। अली जब हम गुलाम थे
तो अंग्रेजों ने हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती कराया, लेकिन आजाद भारत में आज तक पिछड़े वर्ग की गिनती न हुई और न अभी करने की कोई मानता है। अभी मोदी जी ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग की गिनती कर देंगे, अभी करने वाले नहीं है। तो साथियों, पिछड़े वर्ग भी आजाद भारत में अधिकार वंचित है और अनुसूचित जाति के लोग भी आजाद भारत में अधिकार वंचित है। और हमारे मुस्लिम भाइयों का सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति शिड्यूल कास्ट से भी बदतर हो गई है। जो देश गुलाम था, तो इस देश में मुस्लिमों की भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में 35% हिस्सेदारी थी, आज 13% हिस्सेदारी हो गई है। तो साथियों, आजाद भारत में हम आज भी अधिकार वंचित है और अधिकार वंचित होने का एक ही मायने होता है कि हम आज भी गुलाम है। अधिकार वंचित होने का मतलब गुलामी होती है और हम आज भी गुलाम है और हम अपनी गुलामी को समझ ना पाए, हम अपनी गुलामी को दूर करने के लिए अपनी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाए, इसके लिए हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है, हमारे दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। हमें जाति के नाम पे लड़ाया जाता है, हमें धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है और हमारी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को भटकाया जा रहा है, यानी हमारे दिमाग और हमारे जज्बात को खेला जा रहा है। तो साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है, नहीं तो भारत देश है और कौन सा ऐसा देश होगा और कौन से ऐसे शासक होंगे कि अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही करते हैं, अपने ही देश के लोगों नागरिकों को नागरिकता साबित करने की बात करते हैं, अपने ही देश के लोगों को अधिकार वंचित करने का काम करते हैं और अपने ही देश के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। ये साथियों, हमें समझने की जरूरत है कि हमें अपने ही देश में हमारे साथ ये हो क्या रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। कोई अगर पारिवारिक बात करे तो कोई मुखिया कोई चाहता कि हमारे किसी परिवार के किसी सदस्य को दुख हो तकलीफ हो, वो हमेशा अपने जीवन का पूरा एक 90% संघर्ष जो है अपने परिवार को परिवार के लिए लगाता है और इस देश के जो हुक्मरान रहे हैं ये 90% अपना सारी जो मशीनरी है शासन सत्ता है उसका उपयोग और प्रयोग जाति जाति में लड़ाने के लिए अधिकार वंचित करने के लिए दंगा फसाद कराने के लिए जो है लाया जा रहा है। तो साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, आज जो जनता ने जिनको वोट देकर के गृह मंत्री बनाया, गृह मंत्री कुर्सी में बैठाया, आज वो गृह मंत्री गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। ये गृह मंत्री है या गुंडा है, उनकी भाषा में तो मुझे लगता है कि गुंडा ही जब कभी बार आ गई है और उसने अपनी भाषा में साबित भी कर दिया कि वो गुंडा है। और मैं उस गुंडे को इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं, नौकर हो नौकर की तरह, नौकर हो नौकर की तरह रहो, नहीं तो ये भारत देश है, ये भारत देश बिठाना भी जानता है और दफनाना भी जानता है, इसलिए अपनी हक में लाकर के कोई भी बात कहा करो अच्छा होगा। साथियों, इस ये लड़ाई है और यह आप मत सोचिए कि लड़ाई अभी से शुरू हुई है, ये लड़ाई 5000 वर्षों से चली आ रही है, हमें उसको समझने की जरूरत है। मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रहा था, इतिहास को पढ़ो, ये इस देश का जो शासक वर्ग है वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण यहूदियों का नस्ल है, वो विदेशी है, हमारे देश का रहने वाला नहीं है, वो बाहर से आकर के हम लोगों को लगाने का काम कर रहा है, हमारे दिमाग को दूसरी दिशा में ले जाने का काम करने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, इनके विरोध में पूरे देश में लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई और भी आगे चलेगी और चलने वाली है। और लड़ाई के दो सिद्धांत होते हैं, एक तो मांग करना होता है और दूसरा मजबूर करना होता है। हम जो अब
अभी तक मांग कर रहे थे, लेकिन हम मांग नहीं करेंगे, आपको मजबूर कर देंगे, या तो ये हटाओगे या नहीं तो तुमको हम खुद हटा देंगे। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।